ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे सरसों का चितकबरा कीट एंटोक्सी 11 का नेक्स्ट टॉपिक है ये, जिसको पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड कहते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लास फाइलम आपको बताएंगे चल रहा है स्टार्टिंग से। तो ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर हेटरोप्टेरा और फैमिली है पेंटाटोमिडी। और इसका जो जीनस और स्पीशीज है वो है बारबिडा इसका जीनस है और क्रूसीफेरम इसका इसकी स्पीशीज है। और इसका जो सामान्य नाम है या अन्य नाम इसको क्या कहते हैं, सरसों का दगीला के सुंदर झंगा आदि नाम से भी इसको जानते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट्स की। तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट क्या रहेगा सरसों, जब हम नाम से है कि सरसों का चितकबरा कीट, तो इसका जो होस्ट प्लांट है वो सरसों है। और अनदर जो प्लांट्स हैं दैट इज मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, राई और सरसों फूल के अन्य प्लांट्स। और ग्रैमिनी फैमिली के भी कुछ प्लांट जैसे गन्ना, गेहूँ, जौ इत्यादि। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कहाँ कहाँ होता है। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग सभी जो प्रांत है या सभी जो स्टेट है उसमें इसका वितरण पाया जाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये लंका, बर्मा, ईरान और पूर्व अफ्रीका में मिलता। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार होता है या ये फसलों को किस प्रकार डैमेज करता है। तो सरसों की फसल बोने के कुछ समय बाद ही क्या करता है ये, इसका प्रकोप प्रारंभ हो जाता है जब पौधे छोटे होते हैं। यदि इस समय इनकी संख्या अधिक होती है तो पूरे जो प्लांट्स हैं वो पीले हो जाते हैं और सूख जाते हैं और फसल को फिर से बोना पड़ जाता है। और इसके जो की इस कीट के जो शिशु हैं और जो अडल्ट एंड इम्फोर एडल्ट दोनों ही हानि पहुँच जाते हैं। उसमें कैसे होते हैं, उसमें माउथ पार्ट चूसने और काटने वाले होते हैं ना, चुभाने वाले। जब प्लांट छोटे होते हैं तो ये दोनों ही इसकी सॉफ्ट जो पत्तियां और उसके जो स्टेम है या सॉफ्ट तना उसके रस को चूसते हैं, जिससे प्लांट्स पर वृद्धि नहीं होती और इसकी जो पत्तियां वो पीली हो जाती हैं और उसकी जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो रुक जाती है। तो उससे क्या होता है, इस जो पत्तियां हैं उस पर स्थान स्थान पर गहरे भूरे और काले रंग के स्पॉट बन जाते हैं। और इस कीट से जो ग्रसित प्लांट्स होते हैं उसमें फूल भी कम लगते हैं और फलियां भी कम आती हैं। वो जो प्लांट्स हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। और जिस समय इनके ऊपर फूल और फलियां लगती हैं तो उस समय ये जो इंसेक्ट है फूल और फलियों का रस भी चूसते हैं। फलियां पहले से कमजोर होती हैं और रस चूसने के कारण वो उसमें क्या है, दाने भी कम हो जाते हैं और तेल की मात्रा भी कम ही रहती है। और इस कीट के प्रकोप से जो फसल की मात्रा है और उसकी जो क्वालिटी है दोनों पर, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फसल जब काट लेते हैं उसके बाद यह उस खेत तक चला जाता है और जो फसल के ढेर होते हैं उसके नीचे यह झाड़ों की संख्या में भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, इसकी जो लाइफ है उसमें कितने स्टेजेस पाई जाती हैं। तो इसकी जो लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस पाई जाती हैं, एक एग, दूसरा निम्फ और थर्ड इज एडल्ट। तो एग की जब बात करते हैं कि जब सरसों बोने के समय होता है तो लाइक अक्टूबर के महीने में ये दिखाई पड़ने लगते हैं। इस टाइम अक्टूबर के टाइम में सरसों की बुआई होती है ना, तो उसमें ये जेंस अप दिखाई देते हैं। और उस समय जो फीमेल है वो पॉपुलेशन के बाद लगभग एक वीक के बाद एग देना शुरू कर देती है, जो पत्तियों की लगभग नीचे की सतह पर या मुलायम तनों या फूलों पर देती है। और कभी कभी फीमेल क्या है पौधों की जड़ों के पास भी मिट्टी में भी ये थोड़ी सी गहराई में इन एग्स को रख देती है। और अपनी लाइफ में लगभग 90 to 250
एग्स देती है, एक फीमेल 90 to 250 एग्स देती है और एक दिन में लगभग एवरेज 20 एग्स दिए जाते हैं। जो एग का कलर होता है वो येलो होता है और जब ये पककर हैच होकर फूटने का टाइम आ जाता है तब तक इसका कलर चेंज होकर गुलाबी या पिंक कलर का हो जाता है। जो एग है वो 1 mm लंबा रहता है और 0.5 mm चौड़ा होता है। और इसका जो हैचिंग टाइम की बात करें तो हैचिंग टाइम इसका 3 to 7 days होता है। 3 से 7 दिन के बाद एग से फूट कर निम्फ बाहर निकलता है और जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग देने के बाद मर जाती है। फीमेल इंसेक्ट एग देती है और एग देने के बाद वो मर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके निम्फ की। तो जो निम्फ है वो चमकीला होता है और ऑरेंज कलर का होता है और जिसकी आंखें लाल रंग की होती है और उसकी जो लंबाई है 1.3 mm और चौड़ाई लगभग 1 mm होती है। इसमें पंख नहीं पाए जाते और जो माउथ पार्ट्स है वो चुभाने और चूसने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, रेंग कर प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके जो सॉफ्ट पार्ट है उसको चूसते हैं। और ये लाइफ में 5 बार त्वचा निर्मोचन करते हैं और त्वचा निर्मोचन के बाद ये फ्लोड में बदल जाते हैं। और इसका जो विक्षिप्त निम्फ होता है उसकी लंबाई लगभग 4.5 mm और उसकी चौड़ाई जो होती है 3.2 mm होती है। और इसका जो निम्फ का पीरियड रहता है लाइफ पीरियड, निम्फ का जो काल होता है टाइम वो 20 to 27 days होता है। 20 to 27 days के बाद निम्फ क्या होता है, फ्लोड में चेंज हो जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेज 3 to 7 days में हमारे पास सेकेंड स्टेज आ गई है और 20 to 27 days में हमारे पास ये थर्ड स्टेज। 3 stages बनाई है और 3 stages की 7 days के बाद फीमेल क्या करती है, एग लेइंग करती है और देन फीमेल की डेथ हो जाती है। अभी बताया ना कि फीमेल क्या क्या होती है, डेथ हो जाती है कब, जब वो एग लेइंग कर देती है। तो कैसा मेटामॉर्फोसिस पे आ जाता है कंप्लीट, और टोटल लाइफ साइकिल जो इसका होता है वो 30 to 41 days रहता है और 1 साल में 6 to 7 generation इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रोड की या इसके एडल्ट की। तो इसका जो एडल्ट है वो 5 mm तक लंबा होता है और गहरे काले रंग का होता है जिस पर रेड या ऑरेंज कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। और इसका जो प्रोड है या एडल्ट है ये इंसेक्ट क्या करता है, रोशनी को आकर्षित करता है, मतलब जहाँ लाइट है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। और जो फीमेल जो ईक है वो 15 to 16 days तक जीवित रहती है और जो मेल है वो 18 दिन तक जीवित रहता है। और इसका लाइफ साइकिल पता है 30 to 41 days में पूरा हो जाता है और फीमेल क्या एक दिन के बाद मर जाती है और 1 वर्ष में 6 से 7 पीढ़ियाँ मिलती हैं। और मैदानों में ये फरवरी से अप्रैल तक इंसेक्ट पाया जाता है और गर्मी होने के बाद अधिकांश कीट मर जाते हैं और जो बचते हैं वो नमी युक्त स्थानों में चले जाते हैं या कूड़ा करकट जहाँ नमी होती है वहाँ छिप जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो कंट्रोल है या इसका जो नियंत्रण है कैसे कर सकते हैं या ऐसी क्या सावधानी है जिनको हम फसल की बुआई के समय अपना कर इनको नियंत्रण में रख सकते हैं। इनके शिशुओं और पौधों को पकड़ कर नष्ट कर सकते हैं और ये भूमि की दरारों में छिप रहते हैं, इसलिए पहली सिंचाई के 3-4 सप्ताह करते समय 5 kg प्रति हेक्टर की दर से क्रूड ऑयल इमल्सन मिला देते हैं जिससे इसका प्रकोप कम होता है। और खड़ी फसल में यदि इसका प्रकोप हो जाए तो मोलाथियन डस्ट, कार्बोलाइट डस्ट आदि को पौधों के ऊपर एक निश्चित मात्रा में बोलते हैं। इसी प्रकार इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनको भी हम प्रयोग करके इस इंसेक्ट का जो प्रकोप है कम कर सकते हैं। तो इसी में हम एक नेक्स्ट और देखते हैं कि जो नेक्स्ट
तिल का संपूर्ण भेदक कीट, तिल कैप्सूल बोरर और तिल लीफ एंड पोड कैटरपिलर। पहले देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम क्लास पता ही है, ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा और फैमिली इसकी है पेरिनिडिनी। तो इस प्रकार इसका जो जीनस है एंटीगैस्ट्रा और जो स्पीशीज है वो है कैटालोनेलिस। इस प्रकार ये जो तेल कैप्सूल बोरर है इसका क्लासिफिकेशन रहता है और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो होस्ट प्लांट क्या है ना। अब होस्ट प्लांट की जब बात करते हैं तो होस्ट प्लांट देखते हैं हम कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन सा है। होस्ट प्लांट है तिल के अलावा जैसे जंगली पौधे हैं कुछ जो एंटीराइनम है या जो ड्यूरेटा में भी पाया जाता है। कुछ जंगली पौधे एंटीराइनम और ड्यूरेटा में भी पाया जाता है। तो इसकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ये जहाँ भी तिल उगाया जाता है उन इंडिया में सभी प्रदेशों में यह मेनली पाया जाता है जहाँ पर तिल की खेती होती है। और वैसे इसका जो प्रकोप है वो दक्षिण भारत में अधिक होता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये इंडोनेशिया, सोवियत रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भी पाया जाता है। पर हम देखते हैं कि इसका जो नेचर ऑफ डैमेज है वो किस प्रकार का है कि कैसी प्रकृति में ये डैमेज करता है। तो इसकी जो सुंडी होती है, जो लार्वा अवस्था होती है, वो फसल को हानि पहुंचाती है। और जब ये छोटे छोटे होते हैं तभी पत्तियों के अंदर सुराग बना लेती हैं और उसकी जो बाह्य त्वचा होती है उसको खाने रखती हैं। और बाद की अवस्थाओं में क्या करते हैं, ये पत्तियों को मोड़कर एक दूसरे को आपस में धागे से जोड़कर खा लेती हैं। पत्तियों को पहले जोड़ती हैं धागे से और फिर उसको खाती हैं। तो ये जो कीट है ये कीट को प्ररो बुनकर कीट भी कहते हैं। शूट वेबिंग कैटरपिलर मीन्स ये पत्तियों को जोड़कर एक धागे से उसको बांधते हैं, प्ररो बनाते हैं, तो उसको ये शूट वेबिंग कैटरपिलर भी कहते हैं। यह है जो लार्वा है वो तनों, कलियों, कैप्सूल के अंदर जाकर उसको डैमेज करता है। तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है प्रारंभिक अवस्था में जो ये प्रकोप अधिक होता है तो ये मर जाते हैं, परंतु बाद में क्या होता है ये शूट्स पर आक्रमण कर देते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट्स की ग्रोथ जब रुक जाती है तो क्या होगा, फूलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फसल में जब फूल आते हैं तो सुंडी फलों को क्षति पहुंचाती है और जो फूल में कैप्सूल होते हैं वो नहीं बनते। और अगर कैप्सूल बनना शुरू भी हो जाए तो ये जो सुंडी है वो उसके अंदर घुसकर बीजों को खा जाती है। और इसका जो प्रकोप है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक रहता है। और सबसे अधिक जो डैमेज है वो फूल आने के समय सितंबर महीने में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो ये जो लाइफ साइकिल है इसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं, इसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास इसका एग, फिर लार्वा जिसको सुंडी अवस्था भी कहते हैं, थर्ड प्यूपा एंड लास्ट वन इज स्प्रूट। तो एग की जब बात करते हैं तो एग क्या होता है कि जो ये फीमेल इंसेक्ट होती हैं वो रात के समय एक एक करके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पर एग को एग देती है या एग लेइंग करती हैं। एग कैसा होता है, हरे पीले रंग का होता है या हरे रंग का होता है और चमकदार होता है। और इसका जो साइज होता है वो 0.43 mm लंबा और 0.29 mm चौड़ा होता है। और ये अपनी लाइफ टाइम में जो फीमेल है वो 150 एग देती है। और जो एग का जो टाइम है या एग हैचिंग का जो टाइम है वो है 2 से लेकर 7 दिनों में ये एग हैचिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका लार्वा या सुंडी जो कि फसलों को डैमेज करती है। तो ये जो सुंडी होती हैं
ये पहले सफेद रंग की होती है और बाद में इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है और बॉडी पर काले रंग के धब्बे या ट्यूबरक्लोसिस बन जाते हैं। और ये जो लार्वा है वो 2 mm लंबा होता है और जो पूरी तरह से विकसित लार्वा होता है वो 5 बार निर्मोचन करने के बाद बनता है, और जो विकसित लार्वा है उसका जो साइज होता है वो 7 से 15 mm तक लंबा हो सकता है, और उसका जो सिर है वो काला होता है। और ये जो लार्वा अवस्था होती है ये 10 से 30 33 दिनों की होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी स्टेज आती है वो है प्यूपा, और जो ये पूर्ण विकसित सुंडे होती है ये जमीन के अंदर चली जाती है और सिलिकॉन ककून बनाकर उसके अंदर ये रहती है जो कि प्यूपा अवस्था कहलाती है। और कभी कभी जो सुंडी है पौधों पर ही प्यूपा जो स्टेज है उसमें चेंज हो जाती है, और ये जो इसके प्यूपा होता है वो पिता श्वेत से भरा होता है और बाद में जो भूरे रंग का हो जाता है, और ये जो इसकी कृमि कोष और कोषावस्था है ये 4 से 20 दिनों की होती है। अब जब हम इस प्रौढ़ की बात करें या इस एडल्ट इंसेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, मीडियम साइज का होता है, और ये इसके जो पंख हैं वो लाल या पीले रंग के होते हैं और उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े चिन्ह बने होते हैं। ये रात को ही एक्टिव रहते हैं और दिन में जमीन में गिरी हुई पत्तियों में छिपे रहते हैं, और ये प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स लाइट ट्रैप से इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लगभग 3 सप्ताह तक जीवित रहते हैं, और कोष से निकलने के बाद मीन्स प्रोट बनने के 3 से 4 दिन बाद ही एगलिंग शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेज, इसके बाद ये लार्वा, और थर्ड स्टेज हमारे पास प्यूपा, एंड फोर इज एडल्ट। और एडल्ट क्या करते हैं, 3 से 4 डेज बाद ही एगलिंग शुरू कर देते हैं। मेटामॉर्फोसिस कैसा पाया जाता है, कंप्लीट। टोटल लाइफ साइकिल 90 to 64 डेज, और एक साल में कितनी जनरेशन पाई जाती है, 14। 14 जनरेशन एक साल में इस इंसेक्ट की मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो नियंत्रण है या कैसी सावधानियां आप रख सकते हैं या इसका प्रकोप होने का और उसको नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं। एक तो जल्दी बुआई करते हैं तो इसकी जो प्रकोप है इसकी क्षति को कम किया जा सकता है। सेकंड जो है कि जो गुथी हुई पत्तियां होती हैं और कैप्सूल्स को इकट्ठा करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। थर्ड जो है कि अगर इन पर प्रकोप हो जाता है तो ये जो कीट के प्रकट होने पर या दूसरी बार फूल आने पर किस किस का छिड़काव करते हैं, फेनवेलरेट, क्विनलफास, डेल्ट्रामेथिन की जो अलग अलग ये मात्राएं दी हुई हैं तो इसकी एक निश्चित मात्रा में इसका जो छिड़काव करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है कि हम इसके प्राकृतिक शत्रुओं को यूज करके इसकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं।